हम तो सामान लेकर थक गए पानी में, ऐसे ही रहते पन्नी ताने का सामान तो भीग जाता होगा। हाँ सामान सब भीजो पर वो पानी में लाए लेकर सब भीग गए। इधर तुम लोग क्यों रह रहे हो, इधर क्यों आ गए हैं? बाढ़ आ गई है। बाढ़ आया है? कहाँ पहले कहाँ रहते थे? नीचे। सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? कोई मदद नहीं मिली सरकार से। ऐसे बैठी हैं एक तिरपाल के अंदर, बारिश हो रही है, दुख नहीं होता क्या? बताऊँ पालन बाघा टाइम पास कर रहे हैं, मुसीबत में है क्या? नींद आ गई मुसीबत में। घर तो बह गया अब क्या करेंगे? हम बनाएंगे, दोबारा से घर बनाएंगे। आप साफ तौर पर देख पा रहे कितनी मासूमियत से ये बच्ची जवाब दे रही है कि घर तो बह गया, अब दोबारा से घर को बनाएंगे। मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या कहाँ है, कोई चीज़ मिलती ना गई लोगों ने बताई। गरीबों को कुछ नहीं मिलता, मिलता अब कहाँ जाएंगे आप? अब पता ना कहाँ भेजेंगे सरकार। अभी हम यमुना बैंक के यमुना के किनारे खड़े हैं। आप तमाम लोगों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कैसे लोग टेंट में रह रहे हैं, एक तिरपाल बिछा के और वही पॉलीथीन के सहारे ये लोग अपना सामान की अपने सामान की रक्षा कर रहे हैं। और कैसे एक मतलब पूरी तरह से आप देख पा रहे होंगे कैसे सारा सामान है, अनाज है, बच्चों के बैग्स पड़े हैं, स्कूल बैग और इस तरीके के सारा सामान को लेकर ये एक किनारे पे रोड के किनारे रह रहे हैं और ये उसी एक तिरपाल के अंदर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सरकार से इनको खासा कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। इनसे तमाम लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनके साथ कठिनाइयाँ आ रही है। जी माता जी, क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं यहाँ पे? यहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ आ रही हैं, पर जंगल में यहाँ पर आनी रोड पर। कितने टाइम से रह रही हैं यहाँ पे? हो गया दो तीन दिन, दो दिन हो गए। दो दिन से रह रही हैं। पहले कहाँ रहती थी? नीचे रहते जंगल में। नीचे जंगल में पहले? हाँ। सरकार कोई सुविधा नहीं देती आपको? ना कोई सुविधा ना है। सरकार ने तो कहा था कि हर झुग्गी हर मकान हो जाएगा। हाँ कचना बहु है जो मकान है झुग्गी होते तो यहीं के ऊपर होते जा जंगल में। अभी कुछ सुविधा मिल रही है? आप लोग उधर से रोड पे बैठे हैं, ये तिरपाल के अंदर सारा सामान ऐसे ही पड़ा है जैसे मैं देख पा रही हूँ, क्या कुछ कोई सुविधा दे रही है सरकार आपको? सहायता कुछ ना कर रही, कोई सहायता ना हो रही है। तो टेंट लग गए पल लगा रहता है, लगाए गए टेंट यहाँ पर ऐसे ही पड़े हैं सब लोग। तो मतलब टेंट भी हर किसी को नहीं मिल रहा, दो चार लगा के छोड़ दिया। हाँ। जिसने कब्जा कर लिया उसका हो गया, जिसने हाँ। नहीं किया उसका ऐसे ही पड़ा है। ऐसे ही पड़े हैं। हम तो सामान लेकर थक गए पानी में, तो पड़े हम चुप्पा ऐसे ही, कौन लगवाओ तो टेंट। आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगी कि कैसे तमाम सामान पड़े हुए हैं, इनके कई सारे सामान हैं जो कि उस पर पन्नी डालकर रखा गया है ताकि बारिश में भीग ना जाए। लगातार मूसलाधार बारिश भी हो रही है, कभी बारिश का क्योंकि मौसम है तो कभी भी बारिश आ जाता है, उसमें कैसे आप कैसे मैनेज करती हैं? ऐसे ही रहता पन्नी ताने का सामान तो भीग जाता होगा। हाँ सामान सब भीजो पर वो पानी में लाए लेकर सब भीग गए, सब भीगो पर वो सब सामान जो सुखाए सुखाए के कल्ला फैला फैला के अब जब फिर भीग जाता फिर कैसे सुखाती है? जब धूप में सुखाओ तो धूप लगते हैं तो अभी तो धूप निकलती है फिर बारिश हो जाती है तो फिर भीग जाते हो, क्या करें फिर? सरकार से कोई दुख शिकायत गुस्सा कुछ ना? कोई शिकायत ना है, कोई गुस्सा नहीं है। हाँ सरकार क्यों मदद नहीं कर रही आपकी? हाँ कोई मदद ना है तो फिर सरकार से गुस्सा कहाँ होंगे? अच्छा सरकार से नाराज़गी भी नहीं है, और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। जी आप यहाँ पे टेंट में रह रहे हैं। हाँ। क्या कुछ मुसीबतें आ रही हैं, परेशानियों का कैसे कैसे परेशानियाँ आ रही हैं? अभी तो कोई परेशानी आएगी तो परेशानी तो मालूम पड़ा ही, टेंट लग गए उधर, टेंट लगे तो आप लोग वो टेंट में ना रह के इधर पन्नी में क्यों रह रहे हैं? अब जब रात लगे हैं टेंट। हाँ। रात लगे हैं। और आप लोग कब से हैं? एक बार रात ही आए, कल दिन में आ गए थे, रात में लगे टेंट। बारिश जब हो रही है बहुत तेज, अचानक से कभी भी बारिश आ रही है, बारिश का मौसम है, कैसे मैनेज कर रहे हैं? सामान तो भीग जाता होगा? सामान तो सारा भीग जाता है बारिश आती तो। फिर क्या करते हैं? फिर क्या सूख जाता है, फिर बैठे हैं आराम से। सरकार ने तो कहा था कि हर झुग्गी को मकान बना देंगे, कितनी सहायता मिल रही है? कुछ हुआ मकान कहीं ना भगा रहे हैं, और यहाँ से भगा रहे हैं सरकार, और सरकार भगा भी रही है और झोपड़ी तोड़ तोड़ के। कहाँ के रहने वाले हैं? बरेली के रहने वाले हैं हम तो।
अच्छा, बरेली के रहने वाले। यहाँ पे कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते थे? हम रहते हैं जंगल में, यहाँ खेती होती है नीचे, उसमें रहते हैं सारे लोग, खेतों में रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं। सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? नहीं अभी कुछ। कोई बात है जो सरकार से कहना चाहते हो, कोई मांग या कुछ हो सरकार से नाराजगी? मांगे क्या मांगे, सरकार देगी तो मांगे। उम्मीद नहीं, उम्मीद ही छोड़ दी है क्या? उम्मीद ना है सरकारी, कोई उम्मीद ना है देने की, केंद्र सरकार राज्य सरकार किसी से कोई उम्मीद हो ना? गाँव में तो सुविधा मिल रही है, गाँव में तो मिलती है, गाँव में रहते गाँव मिल रही है, यहाँ पर कोई मदद नहीं, यहाँ नहीं है तो यहाँ पर कोई मदद नहीं चाहिए इन्हें, क्योंकि लगभग जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं इन्होंने उम्मीद तक भी छोड़ दिया है। यहाँ पर आने जाने के रास्ते भी नहीं हैं, कैसे ये लोग एक हाईवे के किनारे रह रहे हैं और गुजर बसर कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, बाढ़ आई हुई है यहाँ पर, रोड के किनारे रह रहे हैं, रोड के किनारे पर रह रहे हैं, और जो कि सामने रह रहे हैं हम लोग रोड किनारे पर हैं, रोड किनारे में बहुत परेशानी तो हो जाता है, क्या करेंगे? लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, नींद आती है? नींद नहीं आती है, नींद नहीं आएगी, जब गाड़ी चल रही ज़्यादा नींद कहाँ आएगी? अपन शोर हो रहे हैं, नींद नहीं, शोर हो रहा है, नींद नहीं है। अच्छा, क्या कुछ परेशानियाँ आ रही है? आपके सामान ऐसे ही पड़े हैं गठरी में बांध बांध कर? सामान पड़ा है सारा, पानी बह रहा हूँ, खेत झुक गया हूँ, बह रहा सारा सामान, बह गया सारा सामान इनका, बह गया। क्या क्या सामान बह गया, क्या आए? अभी तो बहुत सामान रखा था, संदूक फंदूक सब फुल रखा था, भरा हुआ सब सब, या कहीं एक लड़के सामान नहीं लगा रहा था, हाँ। जा कहीं पानी इतना नहीं आएगा, हाँ। तो पानी आ गया ज़्यादा, हाँ, जब पता सुमान भी इतना पानी आ रहा, तो बस सामान छोड़ने में सारे नुकसान बहुत लंबे हो गए नुकसान। अच्छा, यहाँ पर धूप अभी कम है तब इतनी गर्मी हो रही है कि बहुत, मतलब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप, कैसे रह रहे हैं? परेशान ज़्यादा था, क्या करें, मजबूरी है जो गर्मी झेल रहे हैं। सरकार से कोई मदद मिल रही है आपको? कोई मदद नहीं मिली सरकार से, कोई मदद नहीं कर रही? नहीं नहीं कोई। सरकार ने कहा था हर झुग्गी को हर झुग्गी झोपड़ी खत्म करके मकान देंगे सभी को, कोई मदद मिली? अभी कुछ नहीं, कोई मदद नहीं मिली, झुग्गी झोपड़ी कुछ कोई मतलब नहीं, अभी कुछ मदद नहीं करी सरकार ने। इन चीज़ों के लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, जो पानी भर गया अभी आपको ऐसे रोड पर रहना पड़ रहा है, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? चौकीदार उसे अब कौन था, यहाँ पहले पहले तो ये भी ये था, अब तो मोती यार कौन रखा है, मोती यार तो हाँ, मोती जो करता है वही करता है, फ्लैट बनाया है तो मोती बनाया है, हाँ। सरकार से कोई गुस्सा नाराजगी कुछ कहना चाहेंगे? मैं क्या कहूँ गुस्सा, तो मैं कुछ नहीं कहूँ, बढ़िया। कोई उम्मीद है सरकार से कोई मदद की? उम्मीद तो है, मगर क्या पता हुआ नहीं हुआ, कोई पता नहीं। तो मतलब ये भी नहीं कह सकते कि अगर हम उम्मीद रखें तो सरकार हमारी मांगे मानेगी कि नहीं, तो हम उम्मीद भी रखना छोड़ ही देते हैं? नहीं नहीं, उम्मीद छोड़ नहीं देते, विश्वास करते हैं, विश्वास पे बात होती है, विश्वास करते, विश्वास है सरकार पे। तो सरकार क्यों नहीं कर रही आपकी मदद? अब नहीं कर रही तो अब सरकार जान नहीं कर रही तो क्या कर जाए, जान के नहीं कर तो सरकार से गुस्सा नहीं होंगे आप? अरे गुस्सा होंगे तो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, सरकार का कुछ नहीं कर सकते। साफ तौर पर लोगों के में यही हताशा एक निराशा है कि हम सरकार से गुस्सा होकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकार की मन मर्जी चलती है, मन करेगा तो वो मदद करेगी, नहीं मन तो नहीं करेगी। माता जी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहूँ बेटा, क्या जानती हूँ मैं क्या बैठी हूँ, आप ऐसे रोड पे ऐसे बैठी हैं एक तिरपाल के अंदर, बारिश हो रही है, कैसे मैनेज कर रही हैं? दुख नहीं होता? क्या बताऊँ, टाइम पास कर रहे हैं, नींद आती है, सड़क पर लगातार गाड़ियां जा रही हैं, आवाज़ें आ रही हैं, नींद आती है आपको? सो पाती हैं रात को? रात क्या सोऊंगे, सो ही नहीं पाती, मुसीबत में है, क्या नींद आ रही मुसीबत में। सरकार कोई मदद कर रही है? अब सरकार क्या, सरकार जाना है मदद करे नहीं करेंगी तो, सरकार जान इस बात को हम क्या जाना है। सभी का यही कहना है कि क्या कहें, सरकार के मन के मर्जी है, मन करेगा तो मदद करेगी, नहीं मन तो नहीं करेगी, सरकार अपने मन से चलती है, इसलिए लोग ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रख रहे हैं सरकार से, क्योंकि उम्मीद रखेंगे तो उम्मीद टूट जाएगी और फिर तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ेगी। आपको दिखा पा रहे हैं, ऐसे दिखाएंगे कैसे यमुना स्तर का
जल भर आया है, इस वजह से इन लोगों को इधर ऊपर सड़क पर आकर रहना पड़ रहा है। क्या कुछ कहेंगी आप सड़क पर रह रही हैं? हम नहीं बोले। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अब कुछ नहीं कहना चाहते, क्योंकि काफ़ी हताशा और निराशा है इन लोगों में। उम्मीद भी नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की वही बात है कि सरकार से उम्मीद रखेंगे, सरकार के मन की बात है, मदद करना चाहेगी करेगी, नहीं करना चाहेगी नहीं करेगी, तो क्या ही करे। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग झुग्गी के जो नीचे रहा करते थे, अब तिरपाल लगाकर यहाँ पर गुजर बसर कर रहे हैं। इसी दौरान हमें एक छोटी सी बच्ची मिली है, इससे बात करते हैं, जानते हैं कि बच्चों पर क्या बीत रही है। बेटा, नाम क्या है आपका? पूजा। मम्मी पापा कहाँ हैं? काम पे। काम पे गए हैं। और तुम? अकेले। अकेले हो? कहाँ रह रही हो? इधर वहाँ पे। वहाँ पे रहती हो? और कौन कौन है तुम्हारे साथ? हमारे भैया हैं। भैया हैं। तुम पढ़ती हो कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में। कहाँ पढ़ाई कहाँ करने जाती हो? जमने तल में। अच्छा, मम्मी पापा काम पर कहाँ गए हैं? लक्ष्मी नगर। क्या काम करते हैं? सफाई करते हैं। अच्छा, इधर तुम लोग क्यों रह रहे हो? इधर क्यों आ गए हैं? बाढ़ आया है। कहाँ पहले कहाँ रहते थे? नीचे। तो पूरा जंगल है, कैसे रहते थे? वहाँ पे रहते थे, बहुत दूर। हाँ, बहुत दूर रहते थे। जंगल में रहते थे। कैसे, वहाँ दिक्कत नहीं होती? कैसे रहते थे वहाँ पे? वहाँ पे रोटी बना रहे थे। तो वहाँ पे भी ऐसे ही बना के रहते थे कि घर था? घर था। अभी घर तो बह गया। अब क्या करेंगे? हम बनाएंगे, दोबारा से घर बनाएंगे। आप साफ तौर पर देख पा रहे कितनी मासूमियत से ये बच्ची जवाब दे रही है कि घर तो बह गया, अब दोबारा से घर को बनाएंगे। मम्मी पापा सफाई करते हैं और काम पे गए हैं, ये बच्ची अकेली है यहाँ पर इस रोड पर, जो आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि ये हाईवे है, यहाँ पर लगातार गाड़ियों का आना जाना है। यहाँ तो लगातार गाड़ियाँ आ जा रही हैं। नींद आती है रात को? नहीं आती है, तो सो नहीं पाते होंगे आप? तो कैसे रहते हैं फिर? कितने दिन से नहीं सोई हो? बहुत दिन से सोई ही नहीं हो। एक बच्ची बता रही है, जो बच्चे आमतौर पर कैसे भी सो लेते हैं, आसानी से सो लेते हैं, वो बच्ची कितने साल की हो तुम? 11 साल की। 11 साल की हो, तुम तो छोटी लग रही हो। भैया कहाँ है तुम्हारा? वहाँ पे। अच्छा, ये छोटी बच्ची जो बता रही है कि ये लोग छोटे बच्चे तक नहीं सो पा रहे, क्योंकि लगातार यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना है, लगातार शोर है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ इनकी तकलीफें हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मम्मी पापा कहाँ हैं? हाँ, इधर हैं। चलो तो बात करते हैं। यहाँ पर बच्चे भी जो हैं वो भी काफ़ी परेशानियों के हालत में दिख रहे हैं। ये भी मेंटली तौर पर एक तरह से प्रिपेयर हो गए हैं कि हमें ऐसे ही रहना है। इन्होंने बेचारों ने एक्सेप्ट कर लिया है, लोगों के रहने के लिए कुछ सुविधाएं दी है, वो भी टेंट, जो कि कुछ लोगों को मिल पाया है, कुछ लोगों को नहीं मिल पाया है। क्या कुछ कहेंगी माता जी? क्या कहा, कोई चीज़ मिलती ना गई लोगों ने कहता। गरीबों को कुछ नहीं मिलता? कहाँ मिलते, हजार रुपये का फार्म भरेगा। कुछ मिलियो ना हो। सरकार तो कहती है कि हर झुग्गी को हटाकर मकान देंगे। हाँ, तो अभी तक नहीं मिला, फार्म में भर दिया, कहिए फेरा, कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है, सरकार कोई मदद कर रही है? कहा खाना वाना बांट रही है, तो सरकार गरीब लोगों ने भाई क्या करे, यहाँ रोड पाया तो खाना मिल रहा है भाई। खाने में हो जाता है सबका जितना आता है? हो जाता है, पर्याप्त खाना मिलता है। खेत में रह रहे हैं, खेत में रह रहे हैं, मुँह से भजा रहे हैं, मजा रही उन्हें से झुग्गी तोड़ रहे हैं, झुग्गी भी हटा रहे हैं। हाँ, तो अब कहाँ जाएंगे? अब पता ना कहाँ भेजेंगे सरकार।
ऐसी परेशानी है कि अब जो ये झुग्गी में रहते थे वो भी तोड़ कर इन्हें हटाया जा रहा है। हटाया जाएंगे, जगह ही नहीं, कहाँ रहा है, कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ दे, कहाँ पर रहेंगे, पतोरा कहाँ जाएंगे, कहाँ ना जाएंगे, आगे का कुछ पता नहीं है, कहाँ जाएंगे नहीं। किस कदर ये लोग त्रस्त हैं कि झुग्गी जो है इनकी वो भी तोड़ कर हटाई जा रही है और इन्हें कुछ पता ही नहीं है कि ये लोग आगे अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कैसे इनके सामान ऐसे ही पड़े हैं, बारिश आने पे भीग जाती है, फिर सुखाते हैं, फिर बारिश आती है, फिर भीग जाती है। इनकी रोज़ की यही कहानी है, क्योंकि ये सड़क पर रह रहे हैं, लगातार गाड़ी आ रही है जा रही है, शोर शराबे हैं, तो ये लोग रात को चैन से सो भी नहीं पाते हैं। इनकी यही कहानी है। कैमरामैन साक्षी झा के साथ मैं ब्यूटी गिरी, जनहित आवाज़।